सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रो ज्ञान। दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम आपको बताएंगे 2023 में बेस्ट फ्री इंटरनेट वीपीएन ऐप कौन सा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में वीपीएन ऐप का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है और लोग अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वीपीएन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने फोन की इंटरनेट स्पीड को बूस्ट करना चाहते हैं और अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं और बेस्ट फ्री वीपीएन ऐप की तलाश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपको एक ऐसे वीपीएन ऐप के बारे में बताएंगे जो पूरी तरह से फ्री है। वैसे तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे वीपीएन ऐप मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर पेड होते हैं। तो आज की स्टूडियो में हम आपको एक ऐसे वीपीएन ऐप के बारे में बताएंगे जो पूरी तरह से फ्री है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बेस्ट फ्री इंटरनेट वीपीएन ऐप के बारे में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं प्रो ज्ञान। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए। बेस्ट फ्री इंटरनेट वीपीएन ऐप के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वीपीएन क्या होता है। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो आपकी अनसिक्योर डेटा को सिक्योर बनाती है। ये आपके ऑनलाइन एक्टिविटी को प्राइवेट रखती है और आपकी लोकेशन, आईपी एड्रेस और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखती है, जिससे हैकर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके डेटा को नहीं देख सकते। वीपीएन के जरिए आप किसी भी ब्लॉग, वेबसाइट और रेस्ट्रिक्टेड ऐप या गेम जैसे कि टिकटॉक और पबजी को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए कई बार हमें वीपीएन को यूज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि जब भी हम किसी भी वीपीएन ऐप का यूज करते हैं तो वो पेड होते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे वीपीएन ऐप के बारे में बताएंगे जो पूरी तरह से फ्री है, जो फास्ट और सिक्योरिटी के मामले में भी ठीक है और इसे आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वे वीपीएन। गूगल प्ले स्टोर पर 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड और 3.9 out of 5 की रेटिंग के साथ वे वीपीएन ऑनलाइन सिक्योरिटी और रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये वीपीएन सर्विस उन यूजर के लिए बनाई गई है जो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं। ये यूजर को जियो ब्लॉक को तोड़ने और ब्लॉक किए गए कंटेंट तक आसानी से पहुंचने का एक्सेस देता है। वे वीपीएन फास्ट कनेक्शन स्पीड का दावा करता है जो इसे स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग और ब्राउजिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाता है। ये आपके पर्सनल डेटा को भी कभी लॉग नहीं करता। ये दावा करता है कि आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी प्राइवेट रहे और बीच बीच में दखल देने वाले ऐड और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को भी ब्लॉक करता है और आपको ऐड फ्री ऑनलाइन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आपका डेटा बैंक ग्रेड इंक्रिप्शन के द्वारा सिक्योर है, जिससे ये दावा होता है कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहे। इसके अलावा वे वीपीएन अलग अलग डिवाइस के साथ कंपेटेबल है जो स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर पर एक सेमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो चलिए जानते हैं वे वीपीएन ऐप का यूज कैसे करें। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऐप को परमिशन देनी है, इसलिए ओके पर क्लिक करेंगे। ऐप ओपन होते ही हमारा वीपीएन एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारी टाइमिंग चल रही है जिसमें आप 45 मिनट तक इस वीपीएन को यूज कर सकते हैं फ्री में। और अगर आप टाइमिंग को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक वीडियो देखनी होगी। इसके बाद आपको 60 मिनट और मिल जाएंगे। वीडियो के आइकन पर क्लिक करके फुल वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको काफी सारी लोकेशन मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको 8 अलग अलग सर्वर की लोकेशन मिलती हैं, जिसमें जर्मनी के 3 सर्वर हैं, यूनाइटेड स्टेट के 4 सर्वर हैं और नीदरलैंड का 1 सर्वर है। लोकेशन को चेंज करने के लिए आप जिस भी लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी लोकेशन वहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीपीएन एक्टिवेट हो गया फिर से। अब वीपीएन को डिसकनेक्ट करने के लिए आप वीपीएन पर टैप करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रिकनेक्ट और डिसकनेक्ट। आप रिकनेक्ट कर सकते हैं, फिर से आपको 45 मिनट मिल जाएंगे। इसके बाद आपको डिसकनेक्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, इसके बाद हमारा वीपीएन डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइमिंग आ गई है कि आपने कौन सा सर्वर कितने टाइम के लिए यूज किया है। इसके बाद बैक करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप फ्री इंटरनेट वीपीएन ऐप का यूज कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप टॉप 5 बेस्ट फ्री वीपीएन ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी राइट वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे दूसरे वीपीएन ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।